हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे आज बच्चे हमारे स्टैट्स में चैप्टर वन के क्लास एट्थ है और इसमें हम लोग करेंगे डेंसिटी हिस्टोग्राम दैट इज अनवल क्लास विर्थ वाले हिस्टोग्राम लास्ट क्लास में हमने इक्वल क्लास विर्थ वाले हिस्टोग्राम देखे थे जिसमें रूल ऑफ थम से हम लोगों ने सीखा था रूट अंडर एनी यानी रूट अंडर ऑब्जर्वेशन कर देते हैं तो नंबर ऑफ क्लासेज निकल आता है तो कितने क्लास में डिवाइड करना है उसके लिए विर्थ चाहिए होता है विर्थ इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपन नंबर ऑफ क्लासेस करके एक वेट्स निकल आती थी तो फिर हम लोग क्लास डिसाइड कर लेते थे कि कहाँ से कहाँ तक का क्लास हमें बनाना है और कितने क्लास बनाने हैं आज बच्चे क्लास वेट्स अनक्वल क्लास वेट्स क्यों क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर डेटा ना सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है स्टार्टिंग में बहुत कम डेटा होता है लास्ट में बहुत कम डेटा होता है तो उनके लिए इक्वल क्लासविर्थ में इतना स्पेस क्यों दिया जाए उनको एक ही क्लास बना देते हैं हम लोग उट लायर्स ज्यादा होते हैं तो फिर इक्वल क्लास विथ की जरूरत नहीं होती उसको अन एकवल क्लास विथ्स में हम लोग करते हैं थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा थियरी uh, दो तीन लाइन इफ वी पहले एक ग्राफ देखोगे फिर उसके बाद से समझाने में आसान रहेगा अगर आपके पास रीडिंग है तो उसमें देखना एग्जाम्पल वन पॉइंट टेन का ग्राफ राम्पल वन पॉइंट टेन का ग्राफ अगर आप देखोगे उसमें बिल्कुल इक्वल क्लास विर्थ है वन टू के बाद से फिर ऐसे, फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया ऐसे ऐसे और ऐसे तो वही है कि जो स्टार्टिंग में है ना दो उन दोनों को एक ही साथ हम लोग रख सकते थे ये जो आउट लायर्स हैं इनको एक साथ ही हम लोग रख सकते थे एक ही क्लास में बना देते क्या फ़र्क पड़ता है ये दो दो क्लास बनाने की क्या जरूरत है तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं तो राइट डाउन इफ वी टेक मेनी क्लासेस इफ वी टेक मेनी क्लासेस देन सम मे बी जीरो सम क्लासेस मे बी ज़ीरो हो सकता है कि कभी कभी उस क्लास में कोई भी एलिमेंट ही ना बिलोंग करे तब उससे बाहर ही हों मतलब ऐसा हो सकता है कि ट्वेंटी और थर्टी के बीच में एक भी एलिमेंट नहीं है सारे या तो ट्वेंटी से पहले हैं या थर्टी के बाद हैं वो क्लास तो खाली रह जाएगा तो मे बी ज़ीरो और सम क्लासेज मे बी एम टी ज़ीरो नहीं एम टी अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको एम टी बोलेंगे ना एम टी विथ जीरो फ्रीकेंसी तब वहाँ पर क्या किया जाए वो तो फिर हिस्टोग्राम ब्रेक कर जाएगा ना हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस डेटा होता है ब्रेक नहीं करना चाहिए तो इट्स प्रॉब्लम देयर ये एक प्रॉब्लम होता है कभी कभी क्लासेस बनाने में नेक्स्ट है इफ़ वी टेक अगर हम लोग क्लासेस बढ़ा देते हैं तो कुछ क्लासेस खाली रह जाएंगे अगर क्लास कम कर देंगे तो हो सकता है कुछ डेटा क्लास में ना आ पाए कुछ डेटा ऐसे आउटलायर्स हैं जो उसमें नहीं आ पाएगा इसका भी ध्यान रखना पड़ता है

सारे के सारे ऑब्जर्वेशन बस एक ही दो क्लास में सिमट करके रह जाए मान लो कि सारे डेटा या तो ट्वेंटी टेन और ट्वेंटी के बीच में या फिर थर्टी और फोर्टी के बीच में तो दो ही क्लास में सारे सिमट जाएंगे टेन टू ट्वेंटी और थर्टी टू 40। ये कैसा हिस्टोग्राम है बस दो क्लास में सारे डेटा को डाल दिया तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू तो सॉल्व दीज प्रॉब्लम हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ अ फ्यू वाइडर इंटरवल्स जहाँ पर एलिमेंट्स uh, कम है वहाँ पे वाइडर इंटरवल बनाते दो और जहाँ एलिमेंट्स ज़्यादा है वहाँ पतल पतला पतला इंटरवल बनाओ तो ज़्यादा वाइज स्टडी होगा ज़्यादा हम लोग क्लैरिफाई कर पाएंगे चीज़ों को अ फ्यू अभी समझ में आ जाएगा जब एक एग्जाम्पल करेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी आप लिखते चलो एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा फ्यू वाइडर इंटरवल्स नियर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मतलब स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़ा ज़्यादा वाइड कर दो इंटरवल को क्यों क्योंकि उधर ही कम डेटा लाई करते हैं या कभी कभी खाली रह जाता है तो उधर में वाइड कर दो सारे डेटा अगर बीच में है तो बीच में फिर नैरो नैरो लो एंड नैरोअर इंटरवल एंड नैरोअर इंटरवल्स इन द रीजन ऑफ हाई कॉन्सनट्रेशन इन द रीजन ऑफ मतलब जहां पे ज्यादा डेटा अगर कॉन्सेंट्रेटेड है ज्यादा डेंस है तो वहां पे नैरो इंटरवल लेना चाहिए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन तो अब तो हो गया ना अनइक्वल इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है तो वी कंस्ट्रक्ट अनइक्वल इक्वल विड्थ और क्लास विथ हिस्टोग्राम इसको कहा जाता है डेंसिटी हिस्टोग्राम इसको क्या बोलते हैं डेंसिटी हिस्टोग्राम इसका अलग एक नाम है नॉर्मल हिस्टोग्राम नहीं है ये डेंसिटी हिस्टोग्राम इसमें थोड़ा अलग थो, एक एक कॉलम कैलकुलेशन का एक्स्ट्रा आ जाता है वो है फर्स्ट डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी ये तो खैर हम लोग पहले भी निकालते थे अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है येस yes. हाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कॉन्सेंट्रेशन हैं ठीक है फर्स्ट डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी क्लियर हो जाएगा ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अब बस खत्म ही हो गया है एक दो लाइन और है उसके बाद से क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग उसके बाद से आता है डेंसिटी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है रेक्टेंगल हाइट रेक्टेंगल का जो हाइट होता है डेट इज कॉल्ड डेंसिटी हर रेक्टेंगल का जो हाइट होगा विल बी योर डेंसिटी और वर्टिकल स्केल को हम बोलते हैं वर्टिकल स्केल को बोलते हैं डेंसिटी स्केल स्केल वर्टिकल इज डेंसिटी स्केल मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो वाई एक्सिस पे लेवलिंग करेंगे ना वो फ्रीक्वेंसी का ना हो करके उसको डेंसिटी स्केल बोलेंगे डेंसिटी वैल्यूज डेंसिटी स्केल और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है डेंसिटी कैसे आएगा हर क्लास की विर्थ कहाँ तक जाएगी वो भी निकालने का तरीका है डेंसिटी इज इक्वल टू उस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन में क्लास विर्थ क्लास विर्थ मतलब जो भी उस क्लास का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको क्लास के विथ से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा डेंसिटी यानी आपको एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा पहले तो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे फ्रीक्वेंसी बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज आपको याद होगा उसके बाद से एक और डेंसिटी का भी कॉलम बनेगा जिसमें क्लास विथ से डिवाइड करेंगे ये आप टेक्निक जो है ऑल्सो एप्लीकेबल टू इक्वल क्लास इंटरवल ऑल्सो एप्लीकेबल तो जरूरी नहीं है कि अन क्लास इंटरवल में लगे इक्वल क्लास इंटरवल में भी लग सकता है अब इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल वन पॉइंट वन वन तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी वन पॉइंट वन वन देखना जरा क्या क्या है उसमें कुरोजन ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील निकालिया सबने वन पॉइंट वन वन प्रोजन प्रोजन ऑफ रेन फोर्सिंग स्टील इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन कंक्रीट स्ट्रक्चर लोकेटेड इन इन्वामेंट्स अफेक्टेड बाय सीवियर वेदर कंडीशंस बस इतना समझ लो कि कुछ जंग लग रहा है और वेदर कंडीशन का उस पर इफेक्ट आ रहा है हम लोग इतने साइंस के स्टूडेंट नहीं है कि इतने भारी भरकम टर्म्स को समझ सकें और आपके उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि भले ही हम लोग कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स डिवोर के यूज़ करेंगे लेकिन लैंग्वेज आपका डे टू तो डे लाइफ से ईजी लैंग्वेज होगा किस में पेपर में इसलिए यहाँ के लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आते तो इतना परेशान मत होना फॉर दिस रीज़न रिसर्चर्स क्योंकि ये बुक जो है डिवोर ये इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए लिखी गई है इसलिए वो टर्म्स यूज होते हैं फॉर दिस रीजन रिसर्चर्स हैव बिन इन्वेस्टिगेटिंग द यूज ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स मेड ऑफ कॉम्पोजिट मटेरियल कॉम्पोजिट मटेरियल यूज़ हो रहा है बच्चे कम्पोजिट मटेरियल मतलब सिंगल मटेरियल नहीं है दो तीन एलिमेंट का मिक्स करके बना हुआ है वन स्टडी वॉज कैरीड आउट टू डेवलप गाइडलाइंस फॉर बॉन्डिंग ग्लास फाइबर रिनफोर्समेंट प्लास्टिक रिबर्स टू कंक्रीट मतलब ग्लास फाइबर का बना करके ग्लास और फाइबर को मिक्स करके और एक रिबार्स बना रहे हैं और फिर उसको कंक्रीट के साथ ऐड कर रहे हैं डिजाइन रिकमेंडेशन ये सोर्स ऑफ डेटा है कंसिडर दॉलोइंग फोर्टी एट ऑब्जर्वेश्स हमारे काम का आ गया फोर्टी एट ऑब्जर्वेशन्स यहाँ दिए हुए हैं कितना हो गया फोर्टी एट ऑब्जर्वेश्स ऑन मेजर्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ सब का बॉन्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है यानी एक्स जो होगा डेटा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग ले लेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ अब देखो जरा इन्होंने कहा है कि आप इसका क्लास इंटरवल डिसाइड करो हिस्टोग्राम को डिसाइड करो कि कौन सा बनाना अच्छा रहेगा तो देखो जरा सबसे पहले हम लोगों ने रूट एंड बाय रूल ऑफ थंब लिया बाय रूल ऑफ थंब, नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो जाएंगे रूट अंडर फोर्टी एट फोर्टी नाइन का रूट तो सेवन हो जाता है है ना six point something आएगा तो हम लोग सिक्स क्लासेस ले सकते हैं राउंड डाउन करके ले लेते हैं सिक्स क्लासेस ले लेंगे स्मॉलेस्ट डेटा इसमें कौन सा ढूंढना है, है आपको येस yes. मैंने कहा ना राउंड डाउन लेते हैं इंटीग्रल वैल्यू जो सिक्स है तो वही ले लेते हैं आप सेवन भी ले लोगे तो गलत नहीं माना जाएगा लेकिन सिक्स ही लेना चाहिए ठीक है जितने भी बुक्स देखे गए हैं उसमें राउंड डाउन करके जो इंटीग्रल फिगर आता है ना उतना ही नंबर ऑफ क्लासेस लेते हैं एक और फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था उसमें नाइन पॉइंट समथिंग आ रहा था तो नाइन क्लासेज लिया था उस तरीके से अब अब जरा देखो क्लास वर्थ निकालनी है कि कितना क्लास वर्थ हमें रखना है तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जरा देखना क्या क्या आ रहा है स्मॉलेस्ट क्या है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं है बच्चे आपको ढूंढना पड़ेगा तो स्मॉलेस्ट जो है वो है थ्री पॉइंट फोर लार्जेस्ट जो है वो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव अगर आप क्लास विर्थ निकालते हो ध्यान से सुनना क्लास विर्थ निकालते हो पहले के लॉजिक से तो वो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय नंबर ऑफ क्लासेस लार्जेस्ट है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव माइनस थ्री पॉइंट फोर बाई सिक्स तो लगभग लगभग कितना आ रहा है ये फिफ्टी फाइव में से फोर गया वन ट्वेंटी फाइव में से थ्री गया ट्वेंटी टू बाई सिक्स लगभग लगभग ये आ रहा है सिक्स फोर जा फोर आ रहा है थ्री पॉइंट समथिंग यानी फोर और फाइव आप कुछ भी मान सकते हो सिक्स थ्री जा थ्री पॉइंट समथिंग आ रहा है तो आप फोर का भी इंटरवल ले सकते हो ठीक है आप फोर का भी इंटरवल ले सकते हो और फोर का भी इंटरवल ले सकते हो देखना जरा लार्जेस्ट क्या ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव ही है स्मॉलेस्ट भी देखना लास्ट वाले रो में स्मॉलेस्ट तो थ्री पॉइंट सिक्स है सेकेंड लास्ट रो में है थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर फिर सेकेंड रो में है थ्री पॉइंट एट फर्स्ट रूम में है तो थ्री पॉइंट फोर ही होगी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मेरे ख्याल से ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव ही दिख रही है ठीक है फोर इंटरवल फोर विड्थ का इंटरवल बनेगा तो आप चाहो तो बना सकते हो ज़ीरो टू फोर फोर टू एट ठीक है एट टू ट्वेल्व इस तरीके से आप क्लास बना सकते हो तो बुक में क्या किया है कि फाइव इंटरवल ले लिया है विड्थ कितना रख दिया है फाइव बुक में अभी आएंगे तो पहले इन्होंने क्लास लेने की कोशिश की ध्यान से सुनना फाइव लेने की कोशिश की जीरो टू फाइव फाइव टू टेन फिर ले लिया टेन टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी ध्यान से सुनना मेरी बात अगर ले लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है देखो मोस्ट ऑफ़ द डेटा ट्वेल्व ट्वेंटी वन नाइन टू वन वन मोस्ट ऑफ द डेटा तो इनिशियली यहीं पर आ गया ना इनका 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 क्लास इंटरवल बना करके फायदा ही क्या हुआ एक एक डेटा आ रहा है बहुत कम लगभग लगभग खाली जा रहा है तो इस दोनों क्लास इंटरवल को एक ही साथ क्यों ना वाइडर क्लास इंटरवल बना लिया जाए हो सकता है तो हम फिफ्टीन टू थर्टी ही डायरेक्ट एक क्लास इंटरवल बना लेंगे जिसमें फोर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा समझ में आ रही है बात तो यही आउट लायर्स मतलब लास्ट में या इनिशियली अगर बहुत कम है फ्रीक्वेंसी बहुत कम है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक जीरो वन टू इन सबको आप क्या कर सकते हो एक ही क्लास इंटरवल में सबको एडजस्ट कर सकते हो तो अब यहाँ देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया उन्होंने क्लास लिया है टू टू फोर क्यों लिया है ऐसा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इन्होंने टू टू फोर क्लास लिया है दो दो का इंटरवल रख लिया है फोर टू तो सिक्स ताकि हम ज़्यादा स्टडी कर पाएँ सिक्स टू एट एट टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू ट्वेंटी और ट्वेंटी टू थर्टी जरूर ट्वेल्व टू ट्वेंटी में बहुत कम ऑब्जर्वेशन आ रहे होंगे और ट्वेंटी टू थर्टी में भी कम ऑब्जर्वेशन आ रहे होंगे एफ़ फ्रिक्वेंसी किया तो यहाँ नाइन आ गया बच्चे यहाँ फ़िफ्टीन आ गया यहाँ पे फाइव आ गया यहाँ नाइन आ गया यहाँ एट आ गया यहाँ टू आ गया फ्रिक्वेंसी आ गई अब हम निकालेंगे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या निकालेंगे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बच्चे आपको पता है ना क्ल टू एफ आई बाई of ऑफ़ एफ आई समीशन ऑफ एफ आई करो ना टोटल कितना आ रहा है फिफ्टीन नाइन टोटल कितने थे वही ऑब्जरवेशन आ फोर्टी एट था ना वही होता ही है एन की वैल्यू जो होती है वही समेशन एफ होता है फोर्टी एट यानी सबको फोर्टी एट से डिवाइड कर देना है हर फ्रिक्वेंसी को फोर्टी एट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन बाई फिफ्टीन नहीं नाइन बाई फोर्टी एट दस्ट मिनट फिर आ जाएगा फ़िफ्टीन बाई फोर्टी एट फिर आ जाएगा फ़ाइव बाई फोर्टी एट फिर आ जाएगा नाइन बाई फोर्टी एट एट बाई फोर्टी एट टू बाई फोर्टी एट कितना आ गया ये ये आ गया पॉइंट वन एट सेवन फाइव कैलकुलेटर अलाउड होता है पेपर में पॉइंट थ्री वन टू फाइव पॉइंट वन ज़ीरो फोर टू साइंटिफिक अलाउड नहीं होता लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होता है नॉर्मल में आपको स्क्वायर रूट जिसमें होगा बटन वो वाला लेना है पॉइंट वन एट सेवन फाइव पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन पॉइंट जीरो फोर वन सेवन अब देखो अनइक्वल लिया है ना यहाँ गैप टू 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 है लेकिन यहाँ फोर गैप हो गया यहाँ पे कितना हो गया एट गैप हो गया यहाँ टेन गैप हो गया यहाँ तो गैप टू टू और फिर टू है यहाँ फोर यहाँ एट और यहाँ टेन गैप अनइक्वल है अनइक्वल क्लास में हम लोग क्या करते हैं डेंसिटी निकालते हैं क्या निकालते हैं डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्लास विथ से डिवाइड कर देना है ये जो मैंने लिखा है ग्रीन में दिस इज क्लास विथ ना इसे सबको डिवाइड कर देना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यानी पॉइंट एट सेवन फाइव बाई टू करेंगे पॉइंट थ्री वन टू फाइव बाई टू करेंगे पॉइंट वन जीरो फोर टू बाई टू करेंगे पॉइंट वन एट सेवन फाइव बाई फोर करेंगे पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन बाई एट करेंगे पॉइंट जीरो फोर वन सेवन बाई टेन करेंगे अब इन सब की वैल्यूज निकाल लो डेंसिटी आ जाएगी पॉइंट जीरो नाइन फोर पॉइंट वन फाइव सिक्स क्योंकि इसी को ट्रेस करना है पॉइंट ज़ीरो फाइव टू पॉइंट ज़ीरो फोर सेवन पॉइंट ज़ीरो टू वन पॉइंट जीरो ज़ीरो फोर ये आगे डेंसिटी अब डेंसिटी के बाद अब आ रहा है टाइम हिस्टोग्राम बनाने का आ रहा है टाइम हिस्टोग्राम बनाने का एक्स में मैंने क्या कहा था एक्स ऑब्जर्वेशन इज अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ये है एक्स हमारा और वर्टिकल पे लेते हैं डेंसिटी डेंसिटी स्केल है ना वर्टिकल तो डेंसिटी लेंगे इधर डेंसिटी में देखना बच्चे पॉइंट जीरो नाइन फोर पॉइंट वन फाइव पॉइंट जीरो जीरो फोर यानी पॉइंट वन फाइव तक जा रहे हैं तो पॉइंट टू जीरो तक ले लेंगे ध्यान से सुनना पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है अब एक्स में क्या क्या लेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्स देखना जरा टू से स्टार्ट हुआ और थर्टी तक गए हैं लास्ट को देखते हैं ना टू टू फोर फोर टू सिक्स ये सब टू से थर्टी तक जाना है टू टू का गैप ले लेंगे टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व 14, सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर इक्वल है ना नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा थर्टी हो गया देखो पहला जो क्लास है वो टू से फोर तक जाएगा और उसकी हाइट कितनी होगी पॉइंट ज़ीरो नाइन फोर पॉइंट ज़ीरो नाइन तो पॉइंट फाइव से तो बड़ा है ही और थोड़ा थोड़ा टेन तक टच करेगा यहाँ तक पॉइंट ज़ीरो नाइन तक चला जाएगा टू टू फोर क्लास पाँच में आई बात अब नेक्स्ट है फोर टू सिक्स जिसका रखना है पॉइंट वन फाइव सिक्स फोर टू सिक्स का पॉइंट वन फाइव सिक्स थोड़ा सा इससे हाइयर पोजिशन पॉइंट वन फाइव सिक्स फोर टू सिक्स फ़ोर टू सिक्स के बाद है सिक्स टू एट पॉइंट ज़ीरो फाइव टू पॉइंट ज़ीरो फाइव टू थोड़ा सा ऊपर ना के बराबर ये हो गया अब एट टू ट्वेल्व में है पॉइंट ज़ीरो फोर सेवन एट टू ट्वेल्व में है पॉइंट ज़ीरो फोर सेवन थोड़ा सा नीचे ये देखो हो तो गया ना वाइडर उसके ट्वेल्व टू ट्वेंटी में पॉइंट जीरो टू वन लगभग हाफ तो ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू के बाद से टू थर्टी में है पॉइंट जीरो फोर बहुत ही छोटी वैल्यू ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम डेंसिटी हिस्टोग्राम बन गया क्या बन गया ये डेंसिटी हिस्टोग्राम यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछो नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक अभी इसमें कुछ रहता है लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंसिटी हिस्टोग्राम तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हमने क्लास बनाया क्लास कितना लेना ही है ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा नहीं तो हम अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं जब पता लग जाता है कि इसमें कम कम ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं जैसे ट्वेंटी टू थर्टी में देखो ट्वेंटी टू थर्टी में सिर्फ दो ही आ रहे थे तो अब ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू बनाते तो जीरो हो सकता था ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर बनाते तो जीरो हो सकता था मतलब वो खाली रह जाते तो हिस्टोग्राम नहीं बनता ढंग का हिस्टोग्राम में तो ज्वाइंट होने चाहिए ना सारे कोई भी खाली नहीं रह सकता इसलिए एक क्लास को बढ़ाना पड़ा तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिल गए। समझ में आई बात yeah. हाँ आई और जे से आपको दिक्कत क्या है आई ऑल्सो डू द सेम थिंग मैंने जे कहीं नहीं लिखा है कहा जे लिखा है मैंने जे भी आप लगा सकते हो आई जे के कोई भी रन नहीं 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 सुनो 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 बता रहे हैं बता रहे हैं जब मैथमेटिक्स में ना ऐसे अगर कोई चीज़ आती है इनका सम करना है तो हम लोग एक्स आई का समेशन भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनी या फिर आप जे भी लिख सकते हो सबस्क्रिप्ट बना करके जे इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी या आप के भी लिख सकते हो आप कौन सा लेटर यूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप जे ही लिखो आई ही लिखो के ही लिखो लेकिन जनरली जब पहली बार समीशन मिलता है तो हम लोग आई यूज़ करते हैं फिर कोई डिफरेंट समीशन आता है तो उसमें जे यूज़ करते हैं फिर कोई इन दोनों से अलग आता है तो उसमें के यूज़ करते हैं समझ में आ रही है बात अच्छा नहीं वो आप अलग बोले हो वो तो इंटीग्रेशन में करते हैं ना वेरिएबल और कॉन्स्टेंट की जगह पे, यहां पे देखो एफ ऑफ आई ही यूज करेंगे क्योंकि ऊपर में एक सिंगल एफ आई है जैसे एफ वन लिख दिया नीचे में पूरा एफ वन प्लस एफ टू से लेकर के जहां तक भी है एफ फोर्टी एट तक है इसको हम लिख सकते हैं एफ आई बाई ये बारी बारी से सारी वैल्यूज आएंगी ना ठीक है या आप ठीक है आप ये कहना चाह रहे हो कि आप एफ आई पुट कर रहे हो तो फिर जे जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा जे का पता नहीं लग पाएगा यहाँ पर आप आई इज इक्वल टू वन टू फोर्टी एट आप कर सकते हो मीनिंग बस समझना है और क्या है ठीक है सेम भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी बच्चे तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया डेंसिटी हिस्टोग्राम डेंसिटी हिस्टोग्राम के बाद अब कुछ इसमें स्टडी करना है नेचर ऑफ़ द ग्राफ या नेचर ऑफ़ द डेटा तो अब हम लोग रेडी हैं तो ध्यान से देखो हर बार का मिडिल वैल्यू मिडिल वैल्यू देख रहे हो मिडिल वैल्यू सेंटर सेंटर तो ज्वाइन करके देखो ग्राफ कैसा मिल रहा है ग्राफ कुछ ऐसा नहीं मिल रहा ऐसा ग्राफ जब मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिवली गैस तो इसका नेचर हमें पता लग गया दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूर्ड डेटा तो अगर पूछता है कि ड्रॉ द इंस्टाग्राम एंड विच टाइप ऑफ स्क्यूनेस इट हैज हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था तो so, इसमें भी आ सकता है तो पॉजिटिवली स्कीूर्ड नेचर हमने डिस्कस कर लिया ठीक है अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है पॉजिटिवली स्कीूड नेगेटिवली स्कीूर्ड ऐसे है अगर आता तब तो हम बोलते हैं निगेटिवली स्कीयड है क्योंकि आया नहीं बाई मॉडल आपको पता है दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूट एंड यूनी मॉडल एक ही पिक आ रहा है अगर एक से ज्यादा पिक आता तो बाई मॉडल मल्टी मॉडल ये सब बोलते हैं अब नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डेंसिटी कर्व एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो कि ये yes. एक मिनट प्रॉपर्टीज ऑफ डेंसिटी कर्व हाँ जी बच्चे क्या और ऊपर करें स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या कुछ पूछना है ठीक है ठीक है यहाँ देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेंसिटी कर्व में पहली प्रॉपर्टी कि डेंसिटी है क्या डेंसिटी का जो मैंने फॉर्मुला लिखा जरा उसको ध्यान से देखो तो डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय क्लास विड्थ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बाई क्लास विर्थ जो भी क्लास की विर्थ है उसी से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डेंसिटी क्या है हाइट है एक्चुअली में ये तो हाइट है ना रेक्टेंगल का डेंसिटी तो वर्टिकल पे लिए हैं तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल वर्टिकल स्केल पे तो डेंसिटी ही लिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी इनटू क्लास वर्थ ये क्या दे देगा ये उस रेक्टेंगल का क्या है एरिया है डेंसिटी मतलब वर्टिकल हाइट और ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाता है दिस गिव्स एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इस क्लास की बात हो रही है उसका एरिया दे, दे देगा अब जरा इस पे समेशन लगा करके देखो समेशन ऑफ एरिया ऑफ डेट रेक्टेंगल मतलब सारे रेक्टेंगल का सम sum, समेशन लगा दिया तो जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं सब का एरिया का सम करोगे इस साइड क्या आ रहा है सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कोई मुझे बताएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम क्या होगा वन क्योंकि तो ये होता है एफ वन बाई समीशन एफ आई प्लस एफ टू बाई समेन एफ आई फिर होगा एफ थ्री बाई तो एट लास्ट वो सब ऐड होकर के क्या हो जाएगा वन ही हो जाएगा जो ऊपर में समा रहा है वही नीचे में आ गया लोगे तो वन हो जाएगा इससे ये पता लग रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज ऑलवेज वन क्यों होगा वन ये पता लग गया क्योंकि वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम वन होता है इसलिए सारे रेक्टेंगल के एरिया का भी सम क्या होगा वन होगा बच्चे तो यहां पे अगर आप निकालना चाहो दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया इन सब का सम करोगे तो वन ही आएगा तो देखो पॉइंट पॉइंट में भी आ रहा न, है ना रिलेटिव फ्रिक्वेंसी तो पॉइंट्स में तो आएंगे ही सब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है ये एक प्रॉपर्टी है तो इन सब का सम वन आएगा तो ये था हमारा डेंसिटी हिस्टोग्राम डेंसिटी हिस्टोग्राम में बस एक आपको कंफ्यूजन कहां हो सकता है मैंने बार बार बताया फिर से एक बार बता देते हैं कि क्लास में कब कितना एडजस्ट करना है तो या तो एग्जाम में दिया होगा नहीं दिया होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लिखोगे हर बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा लेकिन नेचर लास्ट में सेम आएगा अगर वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो हर बच्चे का पॉजिटिवली स्क्यूड ही आएगा अगर वो यूनी मॉडल होगा तो हर बच्चे का यूनी मॉडल ही आएगा थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है कि किसने कितना लिया अब मान लो ये जो दो है कोई इसको तीन क्लास में बना सकता है ये उसकी मर्जी है तो या तो क्वेश्चन में गिवेन होगा नहीं तो आप अपनी मर्जी से जितना आपको लगेगा आप उतना बना सकते हो ठीक है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमें कितने क्लास बनाने पड़ेंगे किसमें अनइक्वल क्लास विथ में इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ये था हमारा डेंसिटी हिस्टोग्राम इसके बाद से एक क्वेश्चन है जो कि क्वालिटेटिव डेटा के बारे में है वो भी हम लोग करेंगे तो पुट ऑन नेक्स्ट हेडिंग दैट इज क्वालिटेटिव डेटा फर्स्ट चैप्टर में काफी कुछ ऐड किया है लास्ट ईयर से यानी आप सेकेंड बैच होंगे तो फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ पढ़ रहे हो नहीं तो पहले फर्स्ट चैप्टर में खाली ट्रिमड मीन और हिस्टोग्राम दो ही वो इक्वल विर्थ वाला हिस्टोग्राम दो ही होता था दो से तीन क्लास में नहीं पढ़ जाता था फिर हम लोग आगे बढ़ते थे लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है तो आप लोगों को माइन्यूटली एक एक एग्जाम्पल एक एक, एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा ओके बच्चे तो क्वालिटेटिव डेटा में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल वन क्या है ये क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर एक एग्जाम्पल है देखना जरा क्वालिटेटिव डेटा जैसे रेटिंग वगैरह होता है ना कोई सर्वे होता है उसका रेटिंग दिया जाता है कि इसको इतना पब्लिक जो है इतना रेट दे रही है उसी से रिलेटेड है ये ऑब्जर्वेशन तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं हम लोग क्वालिटेटिव डेटा में क्या है द पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया कैरिड आउट अ टेलीफोन सर्वे ऑफ टू फाइव जीरो वन कैलिफोर्निया एडल्ट रेजिडेंट ड्यूरिंग अप्रैल टू थाउजेंड सिक्स ठीक है इन्होंने लगभग टू फाइव जीरो वन कितने पेपर लिए कितना ऑब्जर्वेशन होगा टू फाइव जीरो वन लोगों से बात किए तो उतना ही ऑब्जर्वेशन भी निकल करके आएगा कैलिफोर्निया एडल्ट रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अप्रैल टू एसरटेन हाउ दे फेल्ट अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ के ट्वेल्व पब्लिक एजुकेशन के ट्वेल्व पब्लिक एजुकेशन ये उनका कोई कोड होगा जो सारे क्राइटेरिया को मीट करता होगा तो के ट्वेल्व पब्लिक एजुकेशन की बात हो रही है वन क्वेश्चन आस्क्ड वाज़ एक क्वेश्चन सारे लोगों से पूछा गया ओवरऑल हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्कूल इन योर नेबरहुड टुडे मतलब आज के डेट पे आप अपने आसपास जो पब्लिक स्कूल है उसको क्या रेटिंग दोगे टेबल 1.2 पॉइंट टू डिस्प्लेस द्रिक्वेंसीज एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड फिगर अब देखो रेटिंग दिया गया ध्यान से सुनना तो डेटा है हमारे पास ए रेटिंग रेटिंग में है ए सी डी एफ या डोंट नो हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे भी पीपल हों जिनको पता ही ना हो कि क्या रेटिंग देना है स्कूल के बारे में अब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि ये रेटिंग कितनी बार देखने को मिला मतलब ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वन पीपल हैं उसमें से कितने लोगों ने रेट ए दिया किसको पब्लिक स्कूल को कितने लोगों ने रेटिंग बी को चूज़ किया ऐसे कितने पीपल हैं फोर सेवेंटी एट लोगों ने ए रेटिंग दी अपने आसपास के पब्लिक स्कूलों को एट नाइन्टी थ्री पीपल ने दिया रेटिंग बी सिक्स एटी ने दिया रेटिंग सी वन सेवेंटी एट ने दिया रेटिंग डी हंड्रेड ने दिया रेटिंग एफ 172 लोगों को कुछ आइडिया नहीं है दे वेर कन्फ्यूज सो डोंट नो अब इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो टोटल ऐड करोगे तो आपका 2501 आएगा तो देखो रेटिंग को भी हम लोग लगभग लगभग क्वांटिफाई करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे दिस इज पॉइंट वन नाइन वन दिस इस थ्री फाइव सेवन सबको टू फाइव ज़ीरो से डिवाइड करेंगे पॉइंट टू सेवन टू पॉइंट ज़ीरो सेवन वन पॉइंट ज़ीरो फोर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स नाइन सब सम करोगे तो वन आएगा ये कोई इक्को इंसिडेंस नहीं है वन तो आना ही आना है क्योंकि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम क्या होता है वन होता है अब ध्यान से सुनो हमारे पास क्लास तो नहीं है ना अब कैसे फ्रिक्वेंसी बनेगा क्लास तो है ही नहीं तो एक एक्सिस बनेगा रेटिंग का एक एक्सिस बनेगा रेटिंग का रेटिंग और सबको इक्वल विर्थ देंगे और यहाँ हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे बार ग्राफ बनाएंगे कि कनेक्ट कैसे कर सकते हैं सबका कोई क्लास तो है नहीं तो मैंने ये ए के लिए बना दिया ये बी के लिए बना दिया ये सी के लिए बना दिया ही भी है ही है फिर एफ है एक और आएगा डोंट नो डोंट नो मतलब क्लास नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर सकते हम रेटिंग के ऊपर भी क्लास जैसा एज्यूम करके रेटिंग को स्टडी करना है ना और अपना पूरा सब कुछ कर सकते हैं अब इधर ले लेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना ज़रा पॉइंट वन नाइन वन पॉइंट थ्री फाइव सेवन पॉइंट टू सेवन टू पॉइंट थ्री फाइव सेवन ही सबसे बड़ा है तो पॉइंट फोर तक जाएंगे तो दिस इज़ पॉइंट पॉइंट ज़ीरो पॉइंट फोर तक जाना है ना तो पॉइंट ज़ीरो नहीं पॉइंट वन लेंगे पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर रेटिंग ए को देखना पॉइंट वन नाइन वन वन नाइन वन का मतलब है लगभग लगभग टू तक चला जाएगा ए रेटिंग का बार ग्राफ बन रहा है अब नीचे का हटा सकते हो वो तो समझने के लिए था ना अब बी रेटिंग का क्या है बी रेटिंग का कहाँ से कहाँ तक है आ, बी का है पॉइंट थ्री फाइव सेवन लगभग लगभग पर सी रेटिंग का क्या है पॉइंट टू सेवन टू फिर डी का कितना है पॉइंट ज़ीरो सेवन वन पॉइंट ज़ीरो सेवन वन तो लगभग जाएगा और इसका है पॉइंट ज़ीरो फोर ज़ीरो और उससे ज़्यादा है पॉइंट जीरो सिक्स नाइन बन गया ये तो इससे क्या पता लगेगा ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है दिख ही रहा है आपको दिख रहा है ना पॉजिटिवली स्क्यूड है यानी मैक्सिमम रेटिंग जो है रेटिंग सबसे ज़्यादा किधर हुई है एबीसी की हुई है स्टार्टिंग में बाद का तो कम कम जा रहा है और यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि मोर देन हाफ दी रेस्पोडेंट्स जितने भी रिस्पॉन्स देने वाले पीपल थे उनको रेस्पोडेंट्स कहा जाता है अगर आप इस इन दोनों एरिया को ऐड कर दोगे तो हाउ मच यू आर गेटिंग वो यहाँ पर है पॉइंट वन नाइन वन पॉइंट थ्री फाइव सेवन को जरा ऐड करना तो सेवन वन एट नाइन फाइव फोर्टीन कैरी वन थ्री वन फोर फाइव तो पॉइंट जीरो फाइव फोर एट मतलब मोर देन फिफ्टी परसेंट पीपल रेटिंग ए और बी दिया मोर देन फिफ्टी परसेंट पीपल गिव रेटिंग गिव ए और बी ए और बी रेटिंग में मोर देन फिफ्टी परसेंट आ गए बाकी के 50 परसेंट किस में आ गए सी डी एफ और डोंट नो में स्लाइटली मोर देन 10 परसेंट गेव अ डी और एफ अब डी और एफ का एरिया ऐड करना ज़रा दोनों को ऐड करेंगे तो पॉइंट वन 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 स्लाइटली मोर देन टेन परसेंट डी और एफ का मिलाकर के स्लाइटली मोर देन टेन परसेंट समझ में आ रहा है बात तो so यहाँ पर हम क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं ना कि इन नंबर्स नंबर डिस्कस नहीं कर रहे हैं स्लाइटली मोर देन टेन परसेंट तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक आर रिस्पॉन्डिंग एज रिस्पॉन्डिंग द रेट ऑफ डी एंड एफ टी डी एफ कितने परसेंट पीपल जो हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ मो इन विच कैटेगरी देर इज़ मोर रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल इस टाइप से क्वेश्चन कुछ आ सकता है तो आपको बस कंपेयर करना है और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो उसी के बेसिस पर आपको आंसर करना है ठीक है यस yes. अगर हिस्टोग्राम लिखा हुआ है बनाने के लिए तब तो आपको हिस्टोग्राम ही बनाना है क्वालिटी वाला क्वालिटेटिव ग्राफ होता है तो उसको हम बार ग्राफ बना सकते हैं वैसे नंबर्स में जितने भी होंगे उसका हिस्टोग्राम ही बनाना होता है हमें ठीक है हाँ मतलब हिस्टोग्राम लिखा हुआ आता है एग्जाम में इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द डेटा तो हिस्टोग्राम बना करके फिर आपको बताना होता है कि वो डेटा किस टाइप का है पॉजिटिवली स्क्यूड है नेगेटिवली स्क्यूड है या क्या है तो ये तो हमारा यहां तक हो गया इसके बाद से है ट्रिमड मीन नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है हिस्टोग्राम कंप्लीट अब आते हैं हम लोग ट्रिमड मीन पे ट्रिमड मीन ट्रिम्ड मीन ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है आपने कभी ट्रिमिंग वर्ड सुना है गर्ल्स जो है वो हेयर का ट्रिमिंग कराती होंगी आईब्रोज का ट्रिमिंग कराती हैं, थ्रेडिंग होता है वैसे बॉयज जो है वो बियर्ड का ट्रिमिंग कराते हैं हेयर का ट्रिमिंग कराते हैं प्लांट्स और गार्डन्स में भी ट्रिमिंग होता है तो ट्रिमिंग का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा जो प्लांट में कैसे ट्रिमिंग करते हैं या आप अपने बियर्ड का या हेयर का ट्रिमिंग करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ हो जाता है क्योंकि तो सिमेट्री या शेप में नहीं लगता तो आप उसको ट्रिमिंग करके हटाते हो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है डेटा में भी डेटा का जो है कॉन्सेंट्रेशन वो कहीं खास तरीके से दिख रहा है कलेक्शन एक दो डेटा छिटपुट छिटपुट जिसको कहा जाता है हिंदी में स्कैटर्ड है कहीं एक्स्ट्रा आउटलायर्स उनको आउटलायर्स बोलते हैं तो उन आउटलायर्स को हटा दो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला मोस्ट ऑफ़ द डेटा अगर किसी एक रीज़न में लाई कर रहा है तो वही हमारे सारे वैल्यूज को अफेक्ट करेगा तो ट्रिम्ड मीन इज अबाउट ट्रिमिंग सम ऑफ द एक्स्ट्रा डेटा विच विल नॉट अफेक्ट आवर स्टडी इफ वी रिमूव देम अगर उसको हम हटा भी देते हैं तो हमारे स्टडी को अफेक्ट नहीं करने वाला ना हमारे मीन पे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला ना मीडियन पे ना मोड पे किसी भी चीज़ पे नहीं फ़र्क पड़ने वाला तो उनको हटा दो ट्रिमिंग कर दो डेटा छोटा हो जाएगा आसान होगा हैंडल करना और कैलकुलेशन करना भी ठीक है तो ट्रिम्ड मीन में नोटेशन कैसे यूज किया जाएगा देखो मीन के लिए तो एक्स बार हम लोग यूज करते हैं अब ट्रिम्ड मीन आ रहा है तो टी आर लिखेंगे ट्रिम्ड के लिए कितना परसेंट ट्रिमिंग करना है टेन परसेंट अगर टेन परसेंट डेटा का ट्रिमिंग करना है तो सपोज दिस इज द होल लेंथ ऑफ द डेटा तो स्टार्टिंग का टेन परसेंट हटा देना है लास्ट का टेन परसेंट हटाना है बिल्कुल सही सुना आपने ये नहीं कि मैम फाइव फाइव परसेंट हटाएंगे दोनों साइड से बिल्कुल नहीं टेन परसेंट इधर से भी हटाना है टेन परसेंट इधर से भी हटाना है ट्रिमिंग करना है रिमूव करना है वो तो भी रिमूव करना है मतलब जितना परसेंट लिखा रहेगा दोनों साइड से उतना ही उतना ही हटेगा हाफ मत करना और जो बचा हुआ डेटा है इसका मीन निकालो तो ये आ जाएगा ट्रिम्ड मीन टेन परसेंट मतलब उतना हटा दो साइड साइड से बीच वाले का जो मीन आया दैट इज योर ट्रिम्ड मीन यानी एक तरीके से अगर बात किया जाए तो जो सिंपल मीन हम लोग पढ़ते हैं दैट इज ट्रिम्ड मीन के लहजे में उसको क्या बोला जाता है बोला जाएगा ट्रिम्ड जीरो परसेंट जब हम एक भी ट्रिमिंग ना करें तो सिंपल मीन निकल जाएगा ठीक है ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दोगे ना एम में या फिर डी uh, uh, ये डी का दोगे एम को एंट्रेंस कहीं भी तो ये पूछा जा सकता है वन मार्क्स में कि रिप्रेजेंट एक्स बार एज ए ट्रीम मीन यस हाँ मतलब वही अब दूसरे तरीके से होता है एंट्रेंस तो है ही ना ठीक है हाँ लेकिन सारे बच्चे को तो नहीं ले सकते ना वहाँ तो सीट्स अ, मतलब ये है रिजर्व ही है तो जितने सीट्स से लिमिटेड सीट्स है तो उसके अकॉर्डिंग तो वो कुछ ना कुछ अपना क्राइटेरिया रखेंगे ना एक्सेप्टेंस के लिए पहले की बात बता रहे हैं पहले क्या होता था कि मान लो ईको ऑनर्स में बच्चे का काफ़ी अच्छा मार्क्स आ गया अगर एटी एट आ गया पूरा तीनों साल का मिला करके या नाइन्टी आ गया तो टॉप के वो बच्चे अगर अप्लाई किए हुए हैं तो उनको तो सीधा ले लेता था इको ऑनर्स के बच्चों को लेकिन जब आपका परसेंटेज कम होता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिफ्टी परसेंट सीट रिजर्व होता था ईको ऑनर्स वाले बच्चों के लिए जो डी के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए और बाकी के फिफ्टी परसेंट में सारे इंडिया से बच्चों को वो देते थे जिसमें खुद अपने ही ईको ऑनर्स के बच्चे जिनका परसेंटेज कम आया हुआ है कट लिस्ट बनेगा तो उनका नाम नहीं आएगा या फिर आई करके बच्चे आते हैं वो लोग भी क्योंकि काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है ना डी में तो वो, वो लोग भी बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल अलग अलग स्ट्रीम से बी प्रोग्राम ये वो जिनको भी करने का मन कर रहा है मे को वो तो सब बच्चे एंट्रेंस के थ्रू उसमें जाते हैं पहले जाते थे तो एंट्रेंस में काफ़ी अच्छा लेवल होता है उनका क्योंकि उन्हें हटाना है बच्चों को लेना नहीं है तो जब हटाना होता है वैन देर आर मोर एप्लीकेंट्स दैन सीट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर का लेवल हो जाता है तो ये सब थोड़ा उस लेवल का क्वेश्चन है अगर मान लो यहाँ नहीं करते हो तो एम का तो होगा एंट्रेंस कैट मैट उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स होता है क्वालिटेटिव डेटा uh, के नाम से पेपर होता है ये हो गया ट्रिम्ड मीन जीरो परसेंट तो सिंपल मीन हो जाएगा मीडियन को क्या कहोगे मैक्सिमम ट्रिमिंग आप कितना कर सकते हो चलो ये बताओ कितना यस yes. क्योंकि आप इधर से चलोगे फिफ्टी इधर से चलोगे फिफ्टी इधर से फिफ्टी परसेंट ट्रीमिंग कर दी इधर से फिफ्टी परसेंट कर दी बचेगा क्या एक डेटा बचेगा मीडियन तो जो मीडियन होता है उसको डिवोर में टिलड साइन वेव लाइक से रिप्रेजेंट करता है एंड वी कैन राइट इट ट्रिम्ड मीन फिफ्टी परसेंट मैक्सिमम ट्रिमिंग फिफ्टी परसेंट हो सकता है ठीक है नेक्स्ट इज सो अगर ट्रिम्ड मीन कोई अदर परसेंटेज है लाइक टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फाइव परसेंट कुछ भी अदर देन जीरो एंड फिफ्टी परसेंट जीरो परसेंट का मतलब सबका मीन फिफ्टी परसेंट का मतलब बीच का डेटा जो भी मीन होगा दूसरा परसेंटेज वो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा तो so, इज हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मीन एंड मीडियन मतलब कोई भी ट्रिम्ड मीन होगा तो वो मीन और मीडियन के बीच में ही आएगा उससे बाहर नहीं जाएगा समझ में आई बात क्योंकि मीन जो है वो मिनिमम ट्रिमिंग का है मिनिमम ट्रिम्ड मीन है और ये मैक्सिमम ट्रिमिंग का है इसलिए इन दोनों के बीच में ही होगा कोई भी दूसरा ट्रिमिंग का डेटा एक क्वेश्चन करते हैं टाइम कितना हो गया है चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं हम लोग उसके बाद से ट्रिमिंग जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन ठीक है बॉक्स प्लॉट रह जाएगा और वो रह जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन अभी हम लोग कर सकते हैं थोड़ा तो टाइम लगेगा लेकिन आप लोग रहना क्वेश्चन थर्टी थ्री है आपके बुक का एक्सरसाइज का निकालो जिनके पास भी टेक्स्ट बुक है या फोटो कॉपी है जो भी है थर्टी थ्री निकाल लिया इसमें सब कुछ है सारे पार्ट्स हैं इसमें थर्टी थ्री में देखो दन टू थाउजेंड नाइन इशू ऑफ द दोट क्लैरियन रिपोर्टेड द फॉलोइंग होम सेल अमाउंट्स फॉर अ सैंपल ऑफ होम्स इन एलमेडा सीए

फाइव फाइव सिक्स सेवन नाइन कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट दिस दैंपल मीन एंड मीडियन सैंपल मीन तो निकालना बहुत आसान है बच्चे सैंपल मीन के लिए क्या करेंगे एक्स एन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो भी सम आएगा उसको टेन से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो समीशन एक्स बाई टेन करेंगे तो यह आ जाएगा सिक्स फोर जीरो फाइव बाई टेन आ जाएगा सिक्स फोर्टी पॉइंट फाइव मीडियन मीडियन के लिए बच्चे इसको अरेंज करना पड़ेगा अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में तो so, जरा देखना फॉर मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी है ना सबसे छोटी वैल्यू सो इट विल बी थ्री फिफ्टी नेक्स्ट क्या है फोर हंड्रेड एट नेक्स्ट क्या है फिर फाइव हंड्रेड फोर्टी अगर कहीं गलत होगा तो आप बताना फ़ाइव फाइव फ़ाइव देखो थ्री फिफ्टी कर लिया हमने फोर हंड्रेड एट कर लिया फ़ाइव फोर्टी कर लिया फाइव फिफ्टी फाइव भी कर लिया अब उसके बाद से फाइव सेवेंटी फाइव आ रहा है ये भी डेटा कवर कर लिया फ़ाइव सेवेंटी फ़ाइव के बाद आ रहा है फाइव नाइन्टी ये भी हो गया 590 के बाद है 608 फिर है 679 फिर है 815 और 1285 815 1285 कितने ऑब्जर्वेशन है टेन है टेन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है मीडियन के लिए एन एन इज टू टेन इवन मीडियन इज इक्वल टू पढ़ा हुआ है एन बाई टर्म प्लस एन बाई पढ़ाया हुआ है ना मैंने बेसिक में एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म बाई टू फिफ्थ टर्म प्लस टेल मी व्हाट इज एट फिफ्थ फिफ्थ इज दिस दिस वन फाइव सेवेंटी फाइव प्लस फाइव नाइन्टी बाई टू कितना आ रहा है ये सम है फाइव एटी टू पॉइंट फाइव तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट सपोज दिस सिक्स ऑब्जर्वेशन बिन नाइन एटी फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसको इसको हटा करके इसकी जगह पे नाइन एटी फाइव आ गया इनका कहना है सपोज रेदर देन ट्वेल्व एटी फाइव मतलब ट्वेल्व एटी फाइव को हटा करके अगर उसकी जगह नाइन एटी फाइव आ गया तो हाउ वुड द मीन एंड मीडियम चेंज तो ये करेक्शन ऑफ मीन का है ना न्यू मीन इज इक्वल टू एन इं एन इंटू ओल्ड मीन माइनस इनकरेक्ट वैल्यू या रॉन्ग डेटा प्लस करेक्ट डेटा और इसमें रिप्लेसमेंट का केस है इसलिए एन वही रहेगा एन इंटू ओल्ड मीन टेन इंटू ओल्ड मीन कितना है सिक्स फोर्टी पॉइंट फाइव सिक्स फोर्टी पॉइंट फाइव माइनस रॉन्ग डेटा इज़ ट्वेल्व एटी फाइव ना एंड करेक्ट डेटा इज नाइन एटी फाइव अपॉन में टेन पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सिक्स हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव न्यू मीन लेकिन क्या मीडियम पे कोई फ़र्क पड़ेगा देखो तो ट्वेल्व एटी फाइव को हटा करके अगर इसकी जगह नाइन एटी फाइव नाइन एटी फाइव है ना तो अभी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला असेंडिंग ऑर्डर में वो लास्ट डेटा था अभी भी क्या होगा लास्ट तो आपको एक लैंग्वेज लिखना है ऑन रिप्लेसिंग ट्वेल्व एटी फाइव ये लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे बोल रहे हैं लेकिन आपको पेपर में लिखना होगा ऑन रिप्लेसिंग ट्वेल्व एटी फाइव विथ नाइन एटी फाइव देर इज नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर डेटा अर्लियर इट वॉज लास्ट डेटम नाउ ऑल्सो इट इज़ द लास्ट डेटम तो मीडियन इज अनअफेक्टेड बाई दी एक्सट्रीम वैल्यूज जो पहले एक्सट्रीम आउटलायर्स से उनका कोई लेना देना नहीं होता मीडियम मीडियम तो पोजिशन वाइज मिडिल में होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सो देर इज नो चेंज अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं नो चेंज इन मीडियम लेकिन आपको पूरा लैंग्वेज लिखना होगा नो चेंज इन मीडियन अगर बीच का कोई ऑब्जर्वेशन बदलता इन दोनों में से थोड़ा फाइव सेवेंटी फाइव आगे चला जाता है या फाइव नाइन्टी फाइव फाइव नाइन्टी आगे चला जाता तब फर्क पड़ सकता था उस पर अभी तो नहीं पड़ रहा सी पार्ट कैलकुलेट ट्वेंटी परसेंट ट्रिम्ड मीन बाई फर्स्ट ट्रिमिंग द टू स्मॉलेस्ट एंड टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने तो क्लियर कर दिया एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा ट्वेंटी परसेंट ट्रिमिंग करनी है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ एन ले लेंगे एन कितना है यहाँ पर एन है तो so, टू सो रिमूव फर्स्ट टू एंड लास्ट टू फर्स्ट टू एंड लास्ट टू ऑब्जर्वेशन फाइंड मीनियन दस में से चार निकल गए तो फाइंड मीन ऑफ मीन ऑफ सिक्स ऑब्जर्वेशन तो स्टार्टिंग के दो हटा देने हैं और लास्ट के दो हटा देने हैं तो थ्री फिफ्टी अभी तो कम डेटा है तो आप ऐसे कर सकते हो अदरवाइज़ आप ये कर सकते थे ड्रीम्ड मीन ट्वेंटी पहले समझा देते हैं थ्री फिफ्टी था फोर हंड्रेड एट था फाइव फोर्टी था फाइव 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 था फाइव सेवेंटी फाइव था फाइव नाइन्टी था सिक्स हंड्रेड एट था सिक्स सेवन नाइन था एट हंड्रेड फिफ्टीन था फिर था नाइन एटी फाइव तो पहले के दो हटा देने हैं लास्ट के दो हटा देने हैं बीच वाले का अब कम ऑब्जर्वेशन है तो आप ऐसे भी डायरेक्टली ऐड करके बाई सिक्स कर सकते हो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगा तो आपको कैसे करना है ट्रीम्ड मीन टेन परसेंट इज इक्वल टू जो ओल्ड समीशन एक्स है उसमें से माइनस कर देंगे थ्री फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड एट को भी निकालना है प्लस एट हंड्रेड फिफ्टीन को भी निकालना है प्लस नाइन एटी फाइव को भी निकालना है इन दोनों को और इन दोनों को और ऑब्जर्वेशन अब फोर से कम हो जाएगा एन माइनस फोर समझ में आ गया ये था हमारा सी पार्ट अब डी पार्ट पे आते हैं फिफ्टीन परसेंट ट्रिम्ड मीन ध्यान से सुनो। फिफ्टीन परसेंट अगर ट्रिमिंग निकालते हो आप तो यह आ जाएगा वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव का मतलब है थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड एट फ़ाइव फोर्टी फाइव 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 सेवन फाइव फाइव नाइन्टी सिक्स हंड्रेड एट सिक्स सेवन नाइन एट हंड्रेड फिफ्टीन नाइन एटी फाइव नाव सी वन पॉइंट फाइव डेटा कैसे हटाएं ये तो प्रॉब्लम हो गया ना वन रहता तब तो हटा देते टू रहता तो भी हटा देते वन पॉइंट फाइव अब बीच में से डेटा को कट करें नहीं कर सकते तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि फिफ्टीन परसेंट का मतलब है आप टेन परसेंट वाला निकालो प्लस ट्वेंटी परसेंट वाला निकालो और बाई टू कर दो एवरेज ये भी एक तरीका है टेन तो परसेंट ट्रिम्ड मीन निकाल करके ट्वेंटी परसेंट ट्रिम्ड मीन निकाल करके फिर दोनों को क्या कर देना है हाफ कर देना है तो टेन परसेंट के लिए तो बच्चे समेशन एक्स में से थ्री फिफ्टी माइनस करना है और नाइन एटी फाइव माइनस करना है और कितना हो जाएगा एट प्लस ट्वेंटी परसेंट के लिए समेशन एक्स में से <coughs> सॉरी 350 फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड एट प्लस एट हंड्रेड फिफ्टीन प्लस नाइन एटी फाइव और बाई कितना हो जाएगा टेन माइनस फोर सिक्स हो जाएगा बाई कर देना है आपको टू ठीक है तो इससे भी निकल जाएगा तो कभी कभी ऐसे अगर आपको मिल जाता है तो आप इस तरीके से निकालोगे नहीं तो एक दूसरा भी तरीका जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आज नहीं ठीक है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि अगर कुछ ऐसा आ गया टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट थ्री रिमूव करना है टू पॉइंट सेवन रिमूव करना है इस तरीके का रिमूवल कैसे करना है वो बताएंगे वैसा कॉलेज में नहीं बताया होगा अगर कॉलेज में बताया होगा तो आप लोग मेरे से शेयर करना कि अगर फ्रैक्शन में पॉइंट फाइव के अलावा कुछ और आ गया तब कैसे निकालना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर कैटेगोरिकल डेटा एंड सैम्पल प्रोपोर्शन करेंगे और फिर उसमें बॉक्स प्लॉट हम लोग करेंगे ठीक है अच्छा अभी तो आउटलायर्स ही समझना है अपर फोर्थ लोअर फोर्थ अभी रहता है बॉक्स प्लॉट ये सब एक क्लास इसमें लगेगा एक से दो क्लास अब टू क्लासेस रह गए चैप्टर वन कंप्लीट होने में एक क्लास फिर वन पॉइंट वन का थियरी करने में लगेगा इतना तो लगेगा ही टू क्लासेस आज के लिए इतना ही बच्चे आज क्लास का नंबर क्या था कोई बताएगा मुझे ऐ थोड़ी था हाँ नेक्स्ट क्लास विल बी नाइन्थ हाँ जी चैप्टर वन इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रिम्ड मीन का लाइक एक क्वेश्चन है ट्वेंटी सेवन परसेंट इसी का समझा देंगे ट्वेंटी सेवन परसेंट है तो क्या करना है क्वेश्चन के थ्रू उसके बाद से बॉक्स प्लॉट आउटलायर्स को पहचानना बॉक्स प्लॉट और आउटलायर्स को पहचानना कि आउटलायर्स कैसे पहचाना जाएगा कुछ माइल्ड आउटलायर्स होते हैं कुछ एक्सट्रीम आउटलायर्स होते हैं तो अभी क्राइटेरिया है जज करने का कि क्या फॉर्मूला है वो भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आज के लिए इतना ही बच्चे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस स्टैट्स की क्लास टी और मैथ्स की क्लास एम होती है सेम टाइम पे तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय बाय बाय